please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के ऊना में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। यहाँ अलग अलग जगह पर तूफान में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रशासन ने मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। ऊना में आए आंधी तूफान में जगह जगह सड़कों पर पेड़ गिर गए, जिन्हें हटाने का काम देर रात तक चलता रहा। हम खड़े थे दीवार के पास, एकदम से गिरी और चमक गई, बहुत तरह से झटका लगा, गिर गया। छत पर रहा, छत पर मतलब एकदम से हमें कोई उठा कर फेंक दिया बिजली के पेड़। चीन के शेंतांग प्रांत में कुछ दमकल कर्मी एक वॉशिंग मशीन से एक बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। खेलने के दौरान 4 साल का ये बच्चा वॉशिंग मशीन के टब में फंस गया, जिसे निकालने के लिए कुछ दमकल कर्मियों को बुलाना पड़ा। बच्चा वॉशिंग मशीन के जिस टब में फंसा था उसमें कपड़े भी थे, जिनमें वो बुरी तरह उलझ गया था। हालांकि कोई तरकीब काम नहीं आती देख दमकल कर्मियों ने वॉशिंग मशीन को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने औजार की मदद से टब को वॉशिंग मशीन से अलग कर दिया, लेकिन बच्चे को बाहर निकालना अब भी मुश्किल था, जिसके बाद उन्होंने टब को कटर की मदद से काटना शुरू किया। टब के कटते ही बच्चे को कपड़े समेत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि चीन में बच्चे के वॉशिंग मशीन में फंसने की ये पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी वहाँ जियांगचू प्रांत और शिजवेशन शहर में बच्चों के वॉशिंग मशीन में फंसने की घटनाएं हुई थी,